क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए, ज्येष्ठ जनों का। आदर पूर्वक पति का नाम लो, आदर पूर्वक पिता का नाम लो, आदर पूर्वक बहन का नाम लो, आदर पूर्वक माँ का नाम लो। एक और बात कहें, सीधे सीधे पत्नी का भी कभी नाम नहीं लिया जाता, उसे भी अलंकारों से बोला जाता है। और मेरे भारत का शास्त्र ये कहता है, पत्नी का नाम रीता मीता गीता सीता मत बोलो। क्या बोलना है? भाग्यवान, भाग्यवती, सौभाग्यवती, सुभगे, सुप्रिये, सुचरिता, सुनैना, मंगला। मैं एक सच बता रहा हूं, राजा कभी भी रानी का नाम नहीं लेते थे, उन्हें लगता था पुण्य क्षीण हो जाएंगे। रानी लक्ष्मी है और लक्ष्मी का नाम ऐसे नहीं लिया जाता, तो क्या बोला जाता? अरे लक्ष्मी, भाग्यवान, भाग्यवती। अब वो भले ही श्रीमान जी कहें, कुछ भी और बोले, भाग्यवान, वो भाग्यवती है। एक मिनट की कथा और सुनाएं। ये जो मनुष्य के नाम के आगे, पुरुष के नाम के आगे जो श्री लिखा जाता है, एक बार ऋषियों ने परांबा, ललिता अंबा से, राज राजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी से भीख में मांग कर ये कहा, मां हम मनुष्य हैं, निरीह हैं, हम जितने भी पुरुष हैं अधूरे हैं, मां हम तेरे बिना कभी पूरे नहीं हो सकते, और हमें पूर्णता देने के लिए एक चीज दे दे तू, हमें अपनी श्री दे दे। तो पुरुषों ने भीख में परांबा से, इन ऋषि मुनियों ने भीख में परांबा से पता है क्या मांगा है? श्री। और तब से पुरुषों के नाम के आगे लिखा जाने लगा, श्री राजकुमार, रामलाल, श्यामलाल, श्रीमान। एक छोटी सी बात कहनी थी, अपने घर में जाकर बताना, श्रीमती मैं हूं, तुझे तो श्री उधार में मिली है, तेरी श्री तो उधार में आई है, श्री तो मेरी थी, तो बड़ा कौन है? उधार की चीज पर इतराता है? उधार ली श्री पर बड़ा बनता है? मैं कमा के लाता हूं, मैं बड़ा हूं। श्रीमान जी आपको दो चार टके ले आते हो, दो चार धेले ज्यादा, और कुछ पोटली बांध के भी, या बड़ा कुछ, पर घर की आन मान मर्यादा, सिद्धांत मूल्य परंपरा रीति नीति संवेदनाओं के लिए जो होम कर देती है पूरा जीवन, वो पता है कौन है? श्रीमती। कामकाजी महिलाओं को तो छोड़ दो, जो 10-20-50 बेचारी महिलाएं ऑफिसों में काम करती हैं, पर वो भी घर में ही कहती हैं हम कुछ नहीं करती। वोट कराइए, घर की महिलाओं से पूछो, पति क्या करते हैं? डॉक्टर हैं, आर्किटेक्ट हैं, वकील हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, और आप क्या करते हो? कुछ नहीं। नहीं आप कुछ करते? हम कुछ नहीं करते। पति क्या? डॉक्टर हैं, और आप? मैं कुछ नहीं करती। ज्यादा ज्यादा एक नया शब्द सीख गई है, न मैं तो कुछ नहीं करती। मैं कुछ तो करती हो, तो पता है क्या कहती? इतना ही कहना आता है, मैं हाउस वाइफ हूं। अरे वाइफ नहीं बोल रही है, ये क्या सिखा दिया इसको? पता है क्या बोलती है? मैं हाउस वाइफ हूं, आई एम द वाइफ ऑफ हाउस, आई एम द टोटल वाइफ ऑफ हाउस, नॉट ओनली द, आई एम नॉट द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। मैं प्रणाम करता हूं भारत की माताओं को, वो पता है क्या कहती हैं? मैं हाउस वाइफ हूं। इसका अर्थ है मैं घर की सब काम काज के लिए उत्तरदायी हूं, मैं गृहिणी हूं। भूल गई है आप कहना, मैं गृहिणी हूं। और गृहिणी जानते हो किसे कहते हैं? घर के हर ग्रहण को मैं नहीं लगने दूंगी, घर का कोई ग्रहण नहीं लग सकता, वो मुझे पहले लगेगा। गृहिणी हूं मैं घर में ग्रहण नहीं लगने दूंगी, मैं गृहिणी हूं। अब पढ़ी लिखी हो गई है बहू बेटियां, तो कहती हैं आई एम द हाउस वाइफ, बट हु आर द वाइफ? आई एम ओनली हाउस वाइफ, मैं पूरी घर की पत्नी हूं, मैं घर में रहने वाली हूं। वो काम करते हैं और आप कुछ नहीं, तुझे दिन भर में मशीन की तरह से चल रहा है तेरा जीवन, ये क्या है? कुछ नहीं। और कुछ मूढ़ पुरुष ऐसा भी कह देते हैं, आप तो घर में रहती हैं, करती क्या हो? कमा के हम लाते, कोई श्रेय नहीं, एक्नॉलेज नहीं, कोई उपलब्धियां नहीं, कोई मान सम्मान नहीं,
याद करिए उस कथा को। ऋषि मुनियों ने कहा, हाथ जोड़कर, विष्णु ने कहा, ब्रह्मा ने कहा, महादेव ने कहा, ये तीनों ऋषि तृतीय पहुंचे थे पराम्बा के पास, और जब इनको याचक बनते हुए देखा ब्रह्मा विष्णु महेश को, तो पूछा था पराम्बा ने राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी ने कि आज कुछ मांगने आए हैं आप, क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, मां हमें आपके श्री चाहिए। दी श्रीमती ने अपनी श्री दे दी, तब से श्रीमान जी, श्री राम कुमार, राम कुमार, लाला राम, ये सब, राम लाल, श्याम लाल, घनश्याम लाल।